अस्सलामुअलैकुम जी, आज हम आपको चपली कबाब बनाना सिखाएंगे। ये देखें, 3 किलो कीमा है गोट का। तो देखें ये माशाल्लाह कितना प्यारा कीमा है। इसमें अब जो हम डालेंगे ये प्याज जो हमने ग्राइंड किए थे और इनका पानी निकाल लिया, रस निकाल लिया, तो वो डालेंगे हम। ये 4 अदद थे ये जी। ये टमाटर जो छोटे छोटे काटे हैं 3 अदद ये डालेंगे। ये हरी मिर्चें और धनिया हैं, हरी मिर्चें 8 अदद हैं ये डालेंगे। उसके बाद ये मकई का आटा है, मक्की का, वो डालेंगे। ये देखें जी, ये मसाला है शामी कबाब का, ये चपली कबाब का। इसको आप पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, हमने बग़ैर पानी के मिक्स करके डाल रहे हैं, ये पाउडर उड़ता है। अब इसको हम मिक्स करेंगे और 2 अदद जो है ना इसमें टमाटर वो डालेंगे, अंडे। फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। ये देखें जी, ये चपली तो कबाब तैयार है। अब ये प्लेट में हमने इसलिए रखा है कि ये आसानी से, अब इसे उतार के तो हम फिर ये गरम गरम ऑयल में डालेंगे। ये देखिए जगह अभी ये जी, ये अभी अब जब बन जाएगा तो आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बन रहा है। अस्सलामुअलैकुम। ये देखें जी, बकरे के चपली कबाब बना रहे हैं। तो ये अब 2 जो बन गए हैं, हमने तवा साइड पर रखा है, जैसे पिशावर में रखा होता है उन्होंने तवा पर। ये आस्ता आस्ता हम उसके बन रहे हैं। देखें ये इधर तैयार हो रहे हैं साइडन में और इधर रेडी होकर यहाँ पे ऐसे। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, ये देखें जी, हमने 2 टाइप के ये चपली कबाब बनाए हैं। एक इसमें जो है टमाटर अंदर लगाया ऊपर, और बाकी ये चपली कबाब बनाए हैं उसमें टमाटर जो है वो कीमे में ही मिक्स कर लिया था। तो देखते हैं कैसे अब बनते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, हमारे चपली कबाब तैयार हो गए हैं खाने के लिए। ये देखें जी, माशाल्लाह कितने प्यारे कबाब हैं। ये पुदीने की चटनी है, सारे कुकम्बर है, और अब हम खाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे बने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।